नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस स्वेटर का एक तरफ का आस्तीन के फंदे उठा लिए हैं, आस्तीन बना लिया है। अब आज मुझे दूसरे तरफ का आस्तीन बनाना है। तो आज सीखेंगे कि इस पर हम कितने फंदे उठाएं और आस्तीन कैसे बनाएं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने 5, 3, 2 और 1 करके मुड्ढे पे 11 फंदे घटाए थे। उसके बाद घटाने के बाद यानी यहाँ से मैंने 8 इंच बुना था। तो आज हम देखेंगे कि इस पर हम कितने फंदे उठाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, चूँकि ये दाहिनी तरफ वाला मुड्ढा है तो इस पर हम ऐसे पीछे की तरफ से फंदा उठाना शुरू करेंगे। फंदा हम 10 नंबर की सिलाई से उठाएंगे, क्योंकि इसी से हमने नीचे का बॉर्डर बनाया था। तो हम 10 नंबर की सिलाई से ही उठाएंगे। और देखिए यहाँ से फंदे घटना शुरू हुए हैं, तो हम एकदम किनारे से फंदे नहीं उठाएंगे, बल्कि एक लाइन छोड़ के यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो फंदे हम एकदम पास पास उठाएंगे। पहले देखिए, ये हम छोटी सिरे से 1-2 फंदे उठा लेंगे तो ये बच जाएगा, खुलेगा नहीं। उसके बाद बड़े वाले सिरे से आप फंदा उठाना शुरू कीजिए और इसमें से इसको ऐसे लपेटते जाइए। 5 फंदे उठ गए। फंदे हम एकदम पास पास उठाएंगे क्योंकि टोटल हमें 75 फंदे उठाने हैं। एकदम पास पास हम फंदे उठाएंगे। फंदे हम जितने आसानी से पहले उठ जाएंगे उतना फंदा उठा लेंगे। उसके बाद हम इसे काउंट करेंगे, जो फंदे अधिक होंगे उन्हें हम गिरा देंगे और कम फंदे होंगे तो हम बीच बीच में बढ़ा लेंगे। मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे उठा लिए हैं। टोटल हमें 150 फंदे उठाने हैं। 150 फंदे हमें टोटल उठाने हैं, 75 इस साइड में और 75 इस साइड में। यदि कम फंदे उठे हों या ज़्यादा फंदे उठे हों तो हम दूसरी साइड से अभी यहाँ से हम बुनाई करना शुरू करेंगे, और यदि फंदे कम या अधिक होंगे तो हम इस लाइन में उसे बैलेंस कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे 75 फंदे उठाने थे और 73 ही उठा है, तो 2 फंदे हम कहीं कहीं जहाँ हमको स्पेस मिलेगा वहाँ पे हम उठा लेंगे। अब हम बुनाई करना शुरू करेंगे और ये हमारा पहला लाइन काउंट होगा। तो 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे हमें जगह मिल गया है, तो यहाँ पे हम 1 फंदा उठा लेंगे। यहाँ पे हमने 1 फंदा उठा लिया। अब हमें हाफ साइड में सिर्फ 1 फंदा और उठाना है और हमारा 75 फंदा पूरा हो जाएगा। 1 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और ये हमारा पहला लाइन काउंट होगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा जगह मिल गया है तो यहाँ पे हम अपना दूसरा फंदा उठा लेंगे। तो अब टोटल 75 फंदे हो गए हैं। दूसरी साइड भी मेरे 75 फंदे हैं और 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा पहला लाइन होगा। दोनों साइड में देखिए, सिलाई के इस तरफ और सिलाई के इस तरफ दोनों साइड में 75-75 फंदे हैं, यानी टोटल 150 फंदे, 150 फंदे। और 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा बुनते हुए मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। सीधे पे सीधा बुनते हुए और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा दूसरा लाइन है। इस तरह कुल हम 9 लाइन बुनेंगे। 9 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 रोज कंप्लीट कर लिया है, अब ये हमारा 10th रोज है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम जितने भी सीधे फंदे हैं उन्हें हम बुन लेंगे और उल्टे वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, लेकिन उसके पहले ऊन को अपनी तरफ करना है, फंदे को स्लिप करना है, ऊन को दूसरी ओर करना है और सीधे वाले फंदे को बुन लेना है। फिर ऊन अपनी ओर, अगला फंदा देखिए उल्टा है, ऊन अपनी ओर करेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो उल्टे वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, सीधे वाले फंदे को बुनना है, लेकिन उल्टे फंदे को स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। फिर ऊन दूसरी ओर किया, सीधे वाले फंदे को हम बुन लेंगे। तो 10th रो और 11th रो, 10वां और 11वां लाइन हमें इसी तरह बुनना है, सीधे वाले फंदे को सीधा बुनना है, उल्टे वाले फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले ऊन को हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10th रो कंप्लीट कर लिया। ये 11th रो यानी 11वां लाइन है और 11वां लाइन भी 10वीं लाइन की ही तरह बुना जाएगा, यानी उल्टे वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, उन दूसरी ओर करना है और सीधे फंदे को, देखिए इस साइड से हमने इस फंदे को स्लिप किया था तो इधर की तरफ से ये सीधा फंदा हो गया है, तो सीधे फंदे को हम बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, देखिए ये वाला उल्टा फंदा, इसे हम स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा, देखिए इधर से हमने इस फंदे को स्लिप किया था, अब कि हमें इसी फंदे को बुनना है और उन अपनी ओर करना है, उल्टे वाले फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर ये सीधा फंदा, इसे हमें सीधा बुनना है, उन अपनी ओर उल्टा फंदा, इसे हमें स्लिप करना है, उन दूसरी ओर सीधा फंदा, इसे हमें सीधा बुनना है, उन अपनी ओर उल्टे वाले फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर सीधे वाले फंदे को सीधा बुनना है। यानी 11वां लाइन भी 10वीं लाइन की ही तरह बुना जाएगा, एक फंदा सीधा और उल्टे फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह करते हुए 11th रो कंप्लीट कर लेना है। तो 11th रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 11वां लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 12वीं लाइन पे हैं और इस लाइन में हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ हम निडल की सहायता से करेंगे, तो थ्रेड को इतना लंबा काटिए कि ये बीच में ख़त्म ना हो, यानी हमें बीच में कोई भी जोड़ नहीं डालना है, इतना लंबा हमें थ्रेड को काटना होगा। तो थ्रेड को काट लीजिए और उसे निडल में डाल लीजिए। तो अब हम इसे बाइंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला फंदा सीधा है, इसको ऐसे सुई डालिए और ये जो इस साइड का उल्टा फंदा है उसमें भी इसे सुई डालिए और ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है इस साइड से दिख रहा है, उसमें ऐसे ऊपर की तरफ से सुई डालेंगे और जो दूसरा सीधा फंदा है ये वाला दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसे नीचे की तरफ से सुई डालेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ना हम धागे को बहुत टाइट करेंगे ना ही ढीला छोड़ेंगे। अब देखिए ये जो दूसरी तरफ से पीछे की तरफ से जो हमने एक फंदा सिला है उसी में ऐसे वापस सुई डालेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे सुई डालेंगे और देखिए जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे अंदर की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सुई डालेंगे, इसे खींचेंगे, ना बहुत कसेंगे ना ही ढीला छोड़ेंगे, ऐसे नॉर्मली हम ऐसे करेंगे। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है इसमें हमने एक बार सुई डाल दिया है, अब वापस इसी में हमें ऐसे निडल को डालना है ऐसे ऊपर की तरफ से, और ये जो दूसरा सीधा फंदा हमें दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे नीचे की तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम इस साइड की तरफ से सिलाई करेंगे और दूसरी बार दूसरी साइड की तरफ से। तो इस साइड हमने सिल लिया है, अब इधर हमें सिलना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये सीधे फंदे में हमने एक बार ऐसे निडल डाला था, यानी अब कि हमें फिर इसी में ऐसे ऊपर की तरफ से निडल डालना है। तो ये हमने इस फंदे में देखिए एक बार पड़ा है, फिर इसी में एक बार और ऐसे निडल डालेंगे और अब जो
इधर की तरफ से सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, यानी हमारी तरफ से ये उल्टा फंदा। तो एक बार पिछले फंदे में हम ऐसे सुई डालेंगे और दूसरी बार जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसमें अपनी तरफ से, देखिए इस तरफ से हमें नीडल डालना है। उसके बाद इसे हम खींच लेंगे। अब इस साइड में हो चुका है, यानी अब अपनी तरफ से हमें सिलाई करना है। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसमें एक बार देखिए ये एक धागा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी अब की हमें फिर इसी में दूसरी बार भी ऐसे सुई डालना है और जो दूसरा फंदा ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे अंदर की तरफ से देखिए इस तरफ से ऐसे सुई डालना है। फिर इसे हम खींच लेंगे। ऐसे करने से सीधा फंदा बनता जा रहा है। यहाँ देखिए आपको सीधा फंदा दिखाई दे रहा होगा, देखिए अब हमने अपनी तरफ से सिलाई कर लिया, यानी अब हमें दूसरी साइड से सिलना है। तो इस साइड से देखिए इस फंदे में हमने एक बार नीडल डाला था, यानी अब की हमें फिर इसी में दोबारा डालना है, क्योंकि देखिए हर फंदे में ये देखिए दो धागे आए हुए हैं, हर फंदे में दो धागे आए हुए हैं। देखिए सीधा फंदा है, इसमें दो धागे आए हुए हैं, एक ये और एक दूसरा। इसलिए जब एक बार हम सिलाई कर लेंगे तो वापस उसी में फिर से ऐसे सुई डालेंगे और दूसरा फंदा जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसमें ऐसे अपनी तरफ से। तो एक बार इसमें भी पड़ गया, एक बार इसमें भी पड़ गया। अब इसे हम ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए अब अपनी तरफ से इस फंदे में हमने एक बार ऐसे सुई डाला है, तो फिर वापस इसी में एक बार और डालेंगे और ये दूसरा फंदा नीडल पे है उसमें अंदर की तरफ से। न ज़्यादा टाइट करना है न ढीला छोड़ना है। अब फिर दूसरी साइड से एक बार बुने हुए फंदे में, सिले हुए फंदे में सुई डालना है और दूसरा जो नीडल पे है उसके में डालना है, खींच लेना है। फिर अपनी तरफ से एक बार सिले हुए फंदे में सुई डालना है, दूसरा जो सिलाई के ऊपर है उसमें ऐसे अंदर की तरफ से डालना है। देखिए ऐसे आना चाहिए। फिर इसे हम खींच लेंगे। दूसरी तरफ से एक बार जिस फंदे में हमने सुई डाला था उसमें दोबारा डाल लेंगे और दूसरा जो नीडल के ऊपर है उसमें ऐसे अपनी तरफ से, देखिए इस तरफ से डालना है। सामने की तरफ से हम ऐसे डालेंगे और जो पीछे वाला फंदा है उसमें हम ऐसे इस तरफ से डालेंगे। डाला, धागे को खींच लिया, देखिए हमारी सिलाई होनी शुरू हो गई है। अपनी तरफ से एक बार जिस फंदे में हमने सिल लिया है उसे उसमें वापस सुई डालेंगे और दूसरा जो निडल पे है उसके में ऐसे अंदर की तरफ से डालेंगे। धागे को खींच लेंगे। पीछे की तरफ से एक बार जिसमें सिला जा चुका है उसमें सुई डालेंगे और दूसरा जो सिलाई के ऊपर है उसमें अपनी तरफ से। सिलना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। एक बार जिसमें सिल लिया है उसमें हमें नीडल डालना है, दूसरा जो सिलाई के ऊपर है उसमें ऐसे अंदर की तरफ से खींच लेना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये अब लास्ट फंदा है। तो ये देखिए, सीधे वाले फंदे में हम ऐसे सिलाई डालेंगे अपनी तरफ से, फिर इस फंदे में, और अभी इसे हम गिराएंगे नहीं, बल्कि अब ऐसे पीछे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, पीछे वाले फंदे में ऐसे सुई डालेंगे, फिर इसी फंदे में। अब देखिए ये अच्छी तरह बंध गया है और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो आशा है आपको समझ आया होगा। देखिए हमारा स्वेटर ऐसे देखिए सिल के तैयार हुआ है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर कुछ इस तरह तैयार हुआ है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर कुछ इस तरह तैयार हुआ है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।